मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर जूस दुकान मालिक को दुकान का नाम बदली करने को कहा जा रहा है कि कहा मुसलमान को दुकान दिया है तो मुस्लिम नाम रखो। वीडियो सामने आया है और ये वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। वीडियो दिल्ली के नजफ गढ़ का बताया जा रहा है, जहां राजू जूस वाले ने अपनी जूस की दुकान रेंट पर किसी मुस्लिम व्यक्ति को दिया है जिसका नाम जैद बताया जा रहा है। अब बिना दुकान का नाम बदली किए ही ये मुस्लिम व्यक्ति इस दुकान को चलाने लगा, जिस पर एतराज़ जताते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकान मालिक को नाम बदली करने को कहा। खुद ये वीडियो सुने और देखें कि आजकल हिंदू मुस्लिम के नाम पर रोजी रोजगार तक पर टारगेट किया जा रहा है। मालिक हो गए आप दुकान के, किराए पे दे रखी होगी तो फिर आप अपने नाम से क्यों नहीं करते? वो इसका जो दुकान खोल रहे हैं मोहम्मद जैद, उसके नाम से क्यों नहीं कर रखी है? दो नाम से क्यों दे रखी है? तो बार कोड पे तो उसका पेमेंट जा रहा है ना, पेमेंट देखो आप कुछ भी रख सकते हो नाम। सुनो एक मिनट भाई, देखो जो उसका नाम है ना दुकान जिसको किराए पे दे रखी है उसका नाम लिखवाओ, हिंदू नाम मत दो, कन्फ्यूजन मत करो। ये थूक जिहाद और तरह तरह के ये ड्रामे करते हैं, अगैर मुता है, फिर आते हैं पीछे तन्नू के नाम से थी खाने के सामने, वो भी इसका भी चेंज करा दिया हमने। ये जो नाम है ना जूस पिला रहा है तो मुसलमान का नाम लिखो ना उसपे, जिसकी दुकान पेमेंट वो ले रहा है, जैद पिला है, जैद का नाम लिखो, जैद जूस एंड शेक, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस नाम से करो, ठीक है भाई साहब। अगली बार इसको चेंज करा लेना, ठीक है, खाली खाली कराओ, चेंज कराओ आपके सर, लेकिन जिस नाम पे खाली कराने पर दूसरे एक आदमी पेट लात मारने की बात हो जाएगी ना, पेट पे लात। देखो अपने हिंदू को बैठाओ, नुकसान होगा ना होगा ना, तो हिंदू को बैठा दो ना भाई, हिंदू नहीं है जूस बनाने वाला उसको बिठा दो। चलो ना बैठे, जगह जगह वीडियो आ रही है, खूब के पिला रहे हैं, मुख के पिला रहे हैं, हिंदू खुशी होकर पी रहे हैं, पता नहीं क्या नाम मर्द की दवाई मिला रहा, क्या मिला रहा, क्या नहीं मिला रहा, किसको क्या पता, अपने नाम से रखो दुकान। हजारों दुकानें हैं, किसी के दुकान का नाम पूछा उसने लिखा, वो करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं।